तभी मैं बोल रहा हूं आशीष ओपी। इतनी देर से मैं तुझे इशारा कर रहा हूं और शायद तू समझ नहीं रहा इस बात को, तभी मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब आशीष ओपी। यस, मैं तो चल 20-22 साल का लौंडा हूं, ठीक है। मैं अगर बोलूं ना, तुम्हें पता ही होगा जितने कोटा लोग में कोटा में पढ़ते हैं, जितने लोग यहाँ पे सीनियर एक्सपीरियंस टीचर बोलते हैं ना, बहुत सीनियर एक्सपीरियंस टीचर हैं, 20 साल 25 साल 30 साल से पढ़ा रहे हैं, पीडब्ल्यू में तो नहीं, पीडब्ल्यू में तो सारे लोग बेसिक से उठा रहे हैं, उनकी ऑफलाइन क्लास में जाके देखो, आप उनकी ऑफलाइन क्लास में जाके देखो कि एक लेवल का बच्चा होता है ना, एक लेवल का जो बेसिक आती है उसको तो मजा आ जाएगा समझ में, लेकिन उसके लेवल के जितने बच्चे होते हैं ना वो सीधी बात बोलते हैं, पता नहीं सर कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा तो मैं साला सवाल कैसे बनाऊं। अब समझ में आएगा तो सवाल बनाऊंगा ना, समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि टीचर ने भाई साहब हमेशा इस लेवल से ऊपर के बच्चे पढ़ाए, तुमको आदत है ये पढ़ाने की, आदत है, उनसे बोला जाए कि तू बिल्कुल जमीन पे आगे बढ़ा तो वो भी भैया झले आ जाएंगे, वो भी इरिटेट हो जाएंगे, यार मैं ये पढ़ाऊंगा क्या, इतने साल से मैं जो है मैं। तो इसीलिए ये बैच सिस्टम आता है कि लोअर बैच, मीडियम बैच, अपर बैच, इसीलिए आता है। अगर आप किसी ऐसे बैच के टीचर को जिसने बहुत अच्छे बच्चे रैंक प्रोड्यूस किए, अगर आप उन सर को नीचे उतार देते हो ना लोअर बैच में, तो भाई साहब वहां बहुत बड़ी दिक्कतें आती है, 80% बच्चा साफ हो जाता है बैच से, साफ हो जाता है बिल्कुल, उनको लगता है कि सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम उनके लेवल को मैच नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम सर में नहीं है, प्रॉब्लम बच्चों में भी नहीं है, प्रॉब्लम वो मिसमैचिंग में है कि सही जगह पे सही चीज नहीं जा रही है। भाई पिक्चर देखनी है कॉमेडी और जाके आप देख रहे हो भाई साहब सीरियस मूवी, तो भाई साहब जाहिर सी बात है काहे मजा आएगा, ठीक, बिल्कुल हाँ, इसीलिए ठीक है, इसीलिए याद रखना, कोई अगर सच में बहुत एक्सपीरियंस टीचर बहुत लो लेवल पे आके तुम्हें पढ़ा रहा है ना, तो समझ जाना कि वो टीचर बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सैल्यूट, तू जितना करे उतना कम है उनको, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कोटा में या किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं नहीं होता है, ठीक है। कोई अगर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, बहुत ही रैंक प्रोड्यूसिंग टीचर अगर बहुत ही लो लेवल पे आके आपको पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो टीचर दिल से आपकी जो है ना केयर करता है, दिल से केयर करता है, ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है अगर आप एक अच्छे बैच में पढ़ा चुके हो ना लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। अरे हम तो जानते हैं यार, हमने तो कोटा में देखा है, ठीक है, तू यकीन ना आता तो अपने दोस्तों से पूछ लेना, ठीक है, हमने तो देखा है टीचर बहुत ही शानदार, शानदार टीचर, जबरदस्त नॉलेज भरपूर, इतनी नॉलेज की जाली हर एक किताब उनके सामने छोटी पड़ जाए, ठीक, 100 के अंदर भर भर कर रैंक निकालें, 50 के अंदर भर भर कर, 10 के अंदर भर भर कर रैंक निकालें, मगर आप जैसी लोअर बैच में जाते बैच पूरा खाली है, क्यों क्यों, बच्चों को बेसिक आता ही नहीं है, बच्चों को बेसिक आता नहीं, और टीचर को उतना बेसिक से पढ़ाने की आदत नहीं है, ठीक है, उनकी तो आदत भैया अलग हो चुकी है, ठीक। अब बच्चे को जी हमें समझ में तो आएगा, हमसे हमें समझ में आएगा, तब सवाल ही तो लगाएंगे, समझ में तो आ नहीं रहा, सवाल कैसे लगाएंगे अब, ठीक, ये प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के सामने, ठीक। और इसमें मेहनत भी चाहिए भैया, जाहिर सी बात है, तेरी 2-2 घंटे की रोजाना क्लास चल रही है, मजाक बात है क्या एक ऐसे कमरे में क्लास लेना जहां पे साउंड एब्जॉर्बिंग इतने खतरनाक लगे हुए हैं कि मुझे बहुत तेज बोलना पड़ रहा है, लगातार 2 घंटे बोलना पड़ रहा है, तू 50 साल की उम्र के, 40 साल की, 45 साल की उम्र के टीचर से उम्मीद कर पाएगा कि भाई साहब 2 घंटे लगातार नॉन स्टॉप इतनी एनर्जी से बोल के दिखा दो? बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। यस सर, तभी मैं बोल रहा हूं आशीष ओपी। इतनी देर से मैं तुझे इशारा कर रहा हूं और शायद तू समझ नहीं रहा इस बात को, तभी मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब आशीष ओपी। यस यस।